जोमेटो बॉय के साथ बदतमीजी क्यों? क्या अब जाति के आधार पर होगी होम डिलीवरी? लखनऊ में जोमेटो वाले कैसे मुस्कुराए? जाति पर संग्राम, जमकर मारपीट, गाली गलौज बार बार, क्यों डिलीवरी बॉय के साथ हुई बदसलूकी? लखनऊ का प्रियदर्शनी का मामला तो आपको याद ही होगा, निंदा सभी ने की थी, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी खूब चला था, लेकिन हुआ क्या सभी के सामने है। मगर क्या इस बार जो हुआ है वो सच है या फिर झूठ, क्योंकि वाक्या एक बार फिर समाज के सामने सवाल बनकर खड़ा है। तो क्या हुआ लखनऊ में फिर ऐसा और क्यों हो रहा है बवाल, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक डिलीवरी बॉय के साथ बदसलूकी का आरोप है, और यह बदसलूकी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो निचली जाति का था। जी हाँ, आरोप तो यही है। पूरा मामला क्या है अब वो भी समझिए। क्या है आरोप? डिलीवरी बॉय विनीत को डिलीवरी के लिए आरोपी के घर जाना था। जब वो रात को ऑर्डर लेकर पहुंचा तो वहां एक युवक घर से बाहर निकला और बाद में उसने डिलीवरी बॉय से नाम पूछा। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाम के आखिर में रावत सुनते ही उसने डिलीवरी बॉय को गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि हम दलितों के हाथ का छुआ सामान भी नहीं लेंगे। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की गई, यहां तक कि उसके मुंह पर थूक दिया गया। आरोप है कि जोमेटो वाले को दौड़ा दौड़ा कर ऐसे पीटा मानो उसकी जान ही ले डालेंगे। जिसके बाद पीड़ित ने आशियाना थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दो नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फाइनल जांच शुरू कर दी है। एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तरफ इस मामले की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर प्रियदर्शनी केस के बाद भी आखिरकार डिलीवरी बॉय की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती? साथ ही सवाल उन लोगों पर भी खड़ा हो रहा है जो डिलीवरी बॉय के साथ हुई इस बदतमीजी का विरोध भी कर रहे हैं। और एक तरफ तो जो लोग दलित के साथ डिलीवरी लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एकता का संदेश देने का झूठा दिखावा करते हैं। इस मामले की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, मगर सच ये भी है कि जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।